वेलकम गाइस, मैं आपको फिर से डेल के कीबोर्ड को रिपेयर, आप जुगाड़ में जैसे आपका कोई की वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। बस ये सिर्फ डेल के ही लैपटॉप में पॉसिबल है, आप डेल के ही लैपटॉप को सिर्फ ऐसे ठीक कर सकते हैं। मैं ये थर्ड वीडियो है मेरी ऐसे जुगाड़ में ठीक करने की, तो आप देखें मैं कैसे ठीक करता हूँ। आप अपना कीबोर्ड निकाल लें इजीली, ठीक है। अगर आपको कीबोर्ड निकालना नहीं आता, जो भी आपका लैपटॉप मॉडल है, सिर्फ ये डेल के में पॉसिबल है, तो कीबोर्ड निकाल के वीडियो देखें, फिर उस जब कीबोर्ड आपके निकल जाए तब ये ट्रिक आपको अपनाना है। पहले जो इसके अंदर जो डस्ट होगा आपको सारा डस्ट निकाल लेना है। ऐसे मारेंगे तो ये आप सोचेंगे टूट जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। जो इस लैपटॉप के की थी 1 2 3 और एंटर ये वर्क नहीं कर रहे थे अभी, ये आपका जो किनारे का इसका पोर्शन है इसको भी आप क्लीन कर लें। ठीक है, जो आपका जहाँ पे पॉइंट होगा कीबोर्ड का, जहाँ पे पॉइंट लगता होगा ये आपका मिडल में है, तो इस एरिया को भी आपको क्लीन करना है। ये मेरा तो इस लैपटॉप में जो है ये किनारे पे दे रखा है, तो मैं इसे अपने फूक मार के थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। तो अब मैं इसे लगा के फिर से ऑन करता हूँ। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप ये ट्रिक जो है डेल के लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। आपका जो है कीबोर्ड का अगर आपको नया लेना होगा तो वो आपका बैलेंस पूरा बच जाएगा, आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, आपकी की वर्क करने लगेगी। तो ये लैपटॉप मेरा अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी स्टार्ट हो चुका है। ऑन होते मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा कि ये अभी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ जी मैम, आ रहा हूँ मैम। तो ये लैपटॉप जो है अभी विंडोज जो OS है इसका स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आ रहा हूँ। ये स्टार्ट हो चुका है, मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ। अभी भी इसकी एक की जो है वो वर्क नहीं कर रही है। ये दूसरी हो गई, ये तीन, अभी भी जो है इसके की प्रॉपर वर्क करना अभी नहीं कर रही है। मैं इसको दोबारा से करता हूँ कि ये दोबारा फिर वर्क करते हैं कि नहीं। भैया आए नीचे, हाँ आपको फिर से क्लीन करना पड़ेगा। देन जैसा मैंने बताया था फिर से इसके जो डस्ट है वो निकाल लें।
पूरी तरह से। अगर आपकी ऐसे करते समय कोई की निकल भी आती है तो वो इजीली आप उसी पोर्शन पे रख के बिठा दे, वो फिर से लग जाएगी। ये मैं सेकंड टाइम दोबारा कर रहा हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ। अगर ये ठीक हो जाता है तो आप ट्रिक अपना सकते हैं। ये मेरी 5-6 मिनट की वीडियो हो चुकी है दोस्तों, मैं आपके सामने पूरा करके दिखा रहा हूँ। मैं इसमें कोई एडिटिंग एक्स्ट्रा कर नहीं रहा कि आपको कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए मैं अपनी वीडियोज़ में ज़्यादा क्या कुछ एडिटिंग ही नहीं करता, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए जो मैं कर रहा हूँ वो आपको भी दिखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसी के हिसाब से आप अपने सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। ये जो है सिस्टम का OS फिर से स्टार्ट हो चुका है अगेन। अब इसको दोबारा से चेक करते हैं क्या ये अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। पहले जो इसके अंदर कुछ की वर्क नहीं कर रही थी, अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ऑल टोटल कीज वर्किंग। तो व्यूवर्स आपने देखा, मैंने आपको एज इट इज़ करके दिखाया है कि आपका जो कीबोर्ड अगर प्रॉब्लम दे रहा है या कोई की वर्क नहीं कर रही है तो आप कैसे जुगाड़ में उसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको जो अपने लैपटॉप का कीबोर्ड निकालना आना चाहिए, जब वो निकल जाएगा तो सेम ट्रिक से आप कीबोर्ड को क्लीन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूवर्स, ऐसे ही जुगाड़ी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।